क्या 10 महीने बाद गाजा युद्ध में अब हमास जीतने लगा है? क्या जमीन के ऊपर इसराइल जीत रहा है और जमीन के नीचे हमास बाजी मार रहा है? ये दावे इसलिए किए जाने लगे हैं क्योंकि उत्तरी गाजा में एक ऐसी सुरंग मिली है जिसमें रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं। हैरान की बात तो ये है, हमास इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ा रहा है जिसे मिसाइलें और रॉकेट भरे पड़े हैं। बुलेट ट्रेन हमास ने पलटा युद्ध। लगभग 11 महीने से इजरायली सेना पूरी गाजा में भयंकर हवाई और जमीनी हमले कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हमास इजरायली सेना पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। लगभग 350 दिन से इजरायली सेना पूरे गाजा में चुन चुन कर हमास की सुरंगों को धमाकों से उड़ा रही है, लेकिन उसके बावजूद हमास के सुरंगी लड़ाके इजरायली सेना टैंक, बुलडोजर और बख्तरबंद वाहनों पर भयंकर हमले कर रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमास की सुरंगों के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जिसने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश फाख्ता कर दिए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास की सुरंगों में रेलवे ट्रैक मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि हमास की सुरंग नेटवर्क के बारे में जितना इजरायली सेना जानती थी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और विशाल सुरंग नेटवर्क हमास के पास मौजूद है। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास के सुरंग में रेलवे नेटवर्क कैसे और ये कैसे काम करता है। हमास की सुरंगों से जुड़े एक्सपर्ट्स के मुताबिक उत्तरी गाजा और मध्य गाजा में जो सुरंगें इजरायली सेना को मिली है उन सुरंगों में रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं। दावों के मुताबिक रेलवे ट्रैक वाली इन सुरंगों में चलने वाली 2 से 3 बोगी वाली ट्रेनों में मिसाइल और रॉकेट भरे हुए हैं। दावा किया गया है कि इन सुरंगों में हमास के कमांड सेंटर मौजूद हैं, जहां से हमास के सुरंगी लड़ाके सुरंग से निकलकर इजरायली सैनिकों और टैंकों पर भीषण हमले कर रहे हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की सुरंग में 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं जिन पर हमास की बुलेट ट्रेन चलती है। सिनवार निकला शातिर, सुरंग से बुलेट युद्ध। गाजा युद्ध में सुरंगों का जाल हमास की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ है। दावे तो यहां तक किए गए हैं कि हमास ने नए चीफ याहिया सिनवार ने अपने लड़ाकों को साफ आदेश दिए हैं कि सुरंगों से ही युद्ध करो, सुरंगों से इजरायली सेना को ट्रैप में फंसाओ। खान यूनुस के कसाई के नाम से कुख्यात सिनवार को सुरंग युद्ध में बेहद माहिर माना जाता है। यही वजह है कि जब से सिनवार हमास का चीफ बना है तब से इजरायली सेना पर सुरंगों से हमले बेहद तेज हुए हैं। जरा हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसकी हर तस्वीर में इजरायल के टैंक और सैनिकों के चीथड़े उड़ते दिख रहे हैं। हमास के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ाके बारूदी सुरंगों और बम को इजरायल के मरकावा टैंक के नीचे लगाकर उसे उड़ा रहे हैं। इजरायल के टैंकों से महज 10 से 20 मीटर दूर मौजूद सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके रफा में इसी तरह से रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि रफा में इस वक्त हमास की केवल 4 बैटालियन ही बची होने का दावा किया गया है जो इस वक्त रफा में इजरायल पर हमला कर रही हैं। गाजा शहर, दक्षिणी गाजा, मध्य गाजा, रफा और खान यूनुस में इजरायली सेना 10 महीनों से 90% से ज्यादा सुरंगों को उड़ाने का दावा कर रही है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इजरायली सेना की नाक के ठीक नीचे हमास सुरंगों से आसानी से हमले कर रहा है। यही वजह है कि इजरायली सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्ज़ हलेवी ने अपने टॉप कमांडो के साथ मीटिंग में 2 टुक कह दिया है कि हमें हमास के कमांडो को मारने से ज्यादा हमास की सुरंगों को तबाह करने पर ध्यान देना होगा। इजरायली सेना के चीफ हर्ज़ हलेवी अच्छी तरह से जानते हैं कि सुरंग बंकर से ज्यादा मजबूत हैं और चक्रव्यूह से ज्यादा पेचीदा हैं। הוא יהיה יותר מר מבחינתם מהיום הקודם, ואנחנו נחמיר עד שאנחנו נצליח להחזיר את החטופים, ואחרי זה לא ניתן לחמאס גם להרים את הראש.
कुछ दावों के मुताबिक 15 साल में हमास ने अंडरग्राउंड गाजा मेट्रो बनाया है। एक समय इजरायली एक्सपर्ट ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सतह से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगें हैं, मगर उनका यह अनुमान उस वक्त गलत निकला। इजरायली सेना के गाजा में 2.5 मील लंबी सुरंगें मिली हैं, जिसमें विशाल अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां, पेंट की हुई सुंदर दीवारें, टाइल्स वाली फर्श, सीलिंग फैन और एसी समेत लग्जरी भूल भुलैया का पता चला है। अनुमान के मुताबिक सुरंगें 500 मील से ज्यादा लंबी हो सकती हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई में 1500 से ज्यादा टनल शाफ्ट भी खोज निकाली है। इन सुरंगों को बनाने में 6000 टन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 1800 टन मेटल का इस्तेमाल सुरंगों में किया गया है। 5700 सुरंग शाफ्ट बनाई गई हैं। लगभग $1 अरब का खर्च सुरंग बनाने में आया है। माना जाता है कि इन सुरंगों पर मिसाइल हमले भी कई बार नाकाम हो जाते हैं। यही वजह है कि अब नेतन्याहू कमांडर की मीटिंग में साफ कह रहे हैं कि हमास का सफाया तभी होगा जब पूरे गाजा पट्टी में सुरंगों का सफाया होगा। आप जरा इस वीडियो को देखिए, खुद नेतन्याहू नक्शे पर समझा रहे हैं कि कैसे गाजा युद्ध इजराइल के वजूद के लिए चैलेंज बन चुका है। गाजा बॉर्डर, मिस्र सीमा कैसे इजराइल के लिए जी का जंजाल बन चुका है। आप इसे हमास के गाजा मेट्रो से समझ सकते हैं, जो सुरंगों का ऐसा नेटवर्क है जिसने 11 महीने की जंग के बाद भी इजरायली सेना समझ नहीं पाई है। हमास की सुरंगों से जुड़े इजरायली एक्सपर्ट के मुताबिक सुरंगों के जाल को समझने और समझाने के लिए हमास ने एक हैंडबुक बना रखी है, जो हमास के सुरंग लड़ाकों को दी जाती है। इस हैंडबुक के आधार पर सुरंग का सिस्टम काम करता है। अगर इजरायली सेना सुरंग के दरवाजों को खोलती है तो उसमें ऑटोमेटिक बम धमाके होते हैं, जिससे इजरायली सैनिक कई बार मारे जाते हैं। हमास के हैंडबुक के मुताबिक सुरंग पर इजरायली मिसाइलों का मामूली असर होता है। कभी कभी मिसाइलें बेअसर साबित होती हैं। आईडीएफ को उत्तरी गाजा के नीचे बीची सुरंग के अंदर रेलवे ट्रैक मिला है। आईडीएफ के मुताबिक गाजा डिवीजन, उत्तरी गाजा ब्रिगेड और यहलोम यूनिट के इंजीनियरिंग सैनिकों ने हमास ट्रेन का पता लगाया है। दावा किया गया है कि हमास हैंडबुक में सुरंग ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हैंडबुक में बताया गया है कि सुरंग के अंदर अंधेरे में चलते समय लड़ाकों को इंफ्रारेड से लैस नाइट विजन चश्मे की जरूरत होती है। लड़ाकों को भूमिगत नेटवर्क के भीतर हथियार चलाने के तरीके के बारे में सावधानी बरतनी होती है, ये भी हमास हैंडबुक में बताया गया है। टनल बैटल स्ट्रेटजी के जरिए हमास हैंडबुक में इजरायली मिसाइलों को तबाह करने का प्लान तक बताया गया है। हमास के हमले का ये वीडियो देखिए। इन वीडियो में हमास ने इजरायली सेना पर हमले का दावा किया है। गाजा में तेल अल हवा इलाके में इजरायली बुलडोजरों और सैनिकों को हमास ने तबाह किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़के इजरायल के उस बुलडोजर को धमाके से उड़ा रहे हैं जो बारूदी सुरंगों को तबाह कर रहा था। हमास के लड़ाके सीधे सीधे पीएम नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा में इजरायली सैनिकों का कब्रिस्तान बन जाएगा और हमास हर हाल में गाजा जंग जीत लेगा। لك يا نتنياهو والله إنا نعد لك أصنافا من الموت ستجعلك تلعنون أنفسكم أنكم فكرتم بالدخول إلى غزة قدموا والله لسه لم فرجيكم। कुल मिलाकर हमास की सुरंग इजरायली सेना के लिए ऐसी चुनौती बन चुकी है जो लगभग 11 महीने की जंग के बाद भी इजरायली सेना के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है।